वृंद विद्वद वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति वेदादि शास्त्रों में विधि और निषेध का वर्णन किया गया है। उसका तात्पर्य प्रयोक्ता लाभान्वित हो सके और हानि से बच सके है। इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है। लौकिक उदाहरण ले लीजिए, विद्युत है, इसके विशेषज्ञ महानुभावों ने विद्युत के प्रयोग को लेकर विधि और निषेध को निर्धारित किया है। वह राग द्वेष मूलक नहीं है। प्रयोक्ता विद्युत से लाभान्वित हो सके, हानि से बच सके, इस भावना से विद्युत को लेकर विधि निषेध विशेषज्ञों के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार वेदादि शास्त्रों में कर्म उपासना ज्ञान को लेकर विधि निषेध का निरूपण जो प्राप्त है, उसका तात्पर्य प्रयोक्ता को लाभान्वित करना है और हानि से बचाना है। इस तथ्य को जो नहीं समझते आधुनिक व्यक्ति, वे विधि निषेध को संकीर्णता बताते हैं, राग द्वेष मूलक बताते हैं। वाचस्पति मिश्र वामतीकार ने तो एक अद्भुत तथ्य प्रकाशित किया, उसे सुनने और समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा विधि में श्राद्ध अधिकृत है। श्राद्ध का अर्थ होता श्रद्धालु। विधि में श्राद्ध अधिकृत है, निषेध में आपकी श्रद्धा है या नहीं, उसका अनुपालन तो आपको करना ही होगा। निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो चपेट में आए बिना नहीं रहेंगे। सावधान, इतने वोल्टेज विद्युत अव्यह संकेत है, इसका स्पर्श करेगा कोई तो मृत्यु का ग्रास बनेगा। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति के लिए कुछ विधि है, कुछ निषेध है। आजकल भ्रांति यह है कि स्त्री शूद्रों के लिए निषेध है, अन्यों के लिए नहीं। जबकि मैंने गोष्ठी में कहा था सबसे अधिक निषेध तो ब्राह्मण, फिर परिव्राजक, फिर उसमें भी कोई शंकराचार्य हों तो उनके लिए सबसे अधिक निषेध है। अतः आस्था पूर्वक अपने अधिकार की सीमा में दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। एक विडंबना यह है, स्वतंत्र भारत में फल चाहिए शास्त्र सम्मत और विधि चाहिए आधुनिक, यही मान्यता है या नहीं? गायत्री का फल तो सबके चित्त को आकृष्ट करता है। जो भी मंत्र के प्रति आस्थान्वित हैं, गायत्री का जो फल बताया गया या किसी मंत्र का ये जप का जो फल बताया गया या मूर्ति के पूजन दर्शन आदि का जो फल बताया गया, उसके प्रति तो आस्था रखते हैं। लेकिन जिन शास्त्रों ने फल का प्रतिपादन किया है, उन्होंने जो विधि और निषेध का निरूपण किया है, उसको नहीं मानते। तो आधा तीतर आधा बटेर की कहावत चरितार्थ करने पर शास्त्र सम्मत फल की प्राप्ति संभव नहीं है। आधुनिक संविधान के अनुसार शास्त्रीय मर्यादा
को कसने पर घाटा है, इसलिए मैंने संकेत किया अगर शास्त्र सम्मत फल चाहिए तो शास्त्रीय विधा का अनुगमन करना पड़ेगा, शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन करना ही चाहिए। फिर से सुनिए, शास्त्रों ने जो विधि निषेध को निरूपित किया है उसके मूल में न तो राग है, न द्वेष है, न कोरी भावुकता है, न अज्ञान है। हित की भावना से हित के जानकार मनीषियों ने विधि और निषेध को नारायण ऊपर बैठना चाहे ऊपर बैठ निरूपित किया है, इतना मैंने कहा। इसे आजकल अधिक समझने की आवश्यकता है। और एक विचित्र बात है, संकीर्णता क्या है, उदारता क्या है, इसका प्रतिपादन भी शास्त्रीय विधा से ही संभव है। संकीर्णता किसको कहते हैं, उदारता किसको कहते हैं, इसे भी समझने की आवश्यकता है। मर्यादा का अतिक्रमण करके जो उदारता का परिचय है उसका नाम तो पशुता है, उसका नाम उदारता नहीं है। एक पतिव्रता सती साध्वी देवर की भी सेवा करती है, ससुर की भी सेवा करती है, सासू जी की सेवा करती है, ननद की सेवा करती है, जेठ जेठानी की सेवा करती है, बाल गोपाल की सेवा करती है, पति की सेवा करती है, लेकिन उदारता के नाम पर मर्यादा का कहीं भी परित्याग नहीं करती। मर्यादा का त्याग करके जो उदारता का परिचय देना है वह तो पतन है, यह भी समझने की आवश्यकता है। आज मैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी का प्रवचन यहीं बैठे बैठे सुन रहा था, अंतिम चरण में जो उन्होंने राग आलापा वो बड़ा विकट था। उन लोगों की भावना यह बन गई है कि सनातन धर्मियों में जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यूद्र इस प्रकार जाति के निर्धारण की व्यवस्था है, वह एकता के मार्ग में परिपंथी या अवरोधक या घातक है। लेकिन वे नहीं समझ पाते कि अंग्रेजों की कूटनीति के कारण आप लोगों का मस्तिष्क दिशाहीन हो गया है, जिससे हमारी सुरक्षा थी और जो दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक तीनों धरातल पर हमारे रक्षक थे उन्हीं के प्रति अनास्था अंग्रेजों ने उत्पन्न की। अंग्रेजों की कूटनीति को हम अभिशाप न समझकर वरदान समझते हैं। किसी भी शास्त्र का जिनको विधिवत ज्ञान नहीं है वे भी शास्त्रीय मार्ग में अपने को विशेषज्ञ मानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनेता भी धार्मिक क्षेत्र में अपने को पारंगत मानकर हस्तक्षेप करते हैं और धार्मिक जगत को शुद्ध करने का, शोधित करने का अपनी दूषित मान्यता के अनुसार प्रयास करते हैं। अनधिकृत किसी कथावाचक ने कहा श्मशान में विवाह होना चाहिए, तो कराया भी। अब जिसको स्वप्न में भी धर्म कर्म का न ज्ञान है न जिसकी आस्था है वो भी अब धर्माचार्य बन गया। बड़ी विचित्र बात है, स्वतंत्रता का अत्यंत दुरुपयोग है। मान लिया कि धनी मानी व्यक्ति राजनेता आप पर लट्टू होकर आपको उदार समझकर बहुत धनमान दे देंगे, लेकिन अंत में उससे राष्ट्र का क्या होगा और मरने के बाद आपका क्या होगा, उस पर विचार कीजिए। मरने के बाद आपका संविधान यमराज पालन करेंगे या परंपरा प्राप्त संविधान का पालन करेंगे, यह भी विचार करना चाहिए। सुनिए,
आपको विचित्र आह्लाद होगा। पूर्वाचार्य महाभाग श्री निरंजन देव तीर्थ जी स्वनाम धन्य गोवर्धन मठ पुरी पीठ के शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित थे। उन्होंने एक बार मुझे आदेश दिया कि धर्म सम्राट स्वामी श्री कटपात्री जी महाभाग के द्वारा विरचित वेदार्थ पारिजात का खंडन बरेली के किसी आर्य समाजी ने वेदार्थ कल्पद्रुम नामक ग्रंथ के माध्यम से किया, वो ग्रंथ कहीं से प्राप्त करो, उसका खंडन लिख दो हिंदी में, फिर मैं समय निकालूँगा संस्कृत में तुम्हारे लिखे हुए खंडन को ढाल दूंगा तो एक अच्छा काम होगा। ठीक है, वो ग्रंथ हमने बहुत प्रयास करके कहीं से मंगाया तो अवतारवाद का जो खंडन किया है स्वामी दयानंद जी महाभाग ने, मैं तो महाभाग कह रहा हूँ, आस्थापूर्वक बोल रहा हूँ, सत्यार्थक प्रकाश में उस समय की हिंदी में दो चार वाक्यों में, लेकिन योग दर्शन पर जो विज्ञान भिक्षु महाभाग का भाष्य है या महाभाग की टीका है, यूँ कहें व्यास भाष्य को भाष्य कह दें तो विज्ञान भिक्षु जी की जो योग दर्शन पर संस्कृत में टीका है उसमें भगवान के अवतार का जो खंडन किया गया है संस्कृत में दो चार वाक्यों में, जो के त्यों हिंदी में उसका दयानंद स्वामी जी ने अनुवाद कर दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि कहाँ से उनको अवतार के खंडन की युक्ति प्राप्त हुई। तो चूरू में चातुर्मास कर रहे थे हम लोग, पूर्वाचारी महाभाग से ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, हमने कहा महाराज विज्ञान भिक्षु की ये पंक्तियाँ हैं संस्कृत में, सत्यार्थक प्रकाश की ये पंक्तियाँ हैं हिंदी में, अनुवाद मात्र है, अपनी ओर से दयानंद स्वामी जी को कोई युक्ति नहीं प्राप्त हुई कि अवतारवाद का खंडन कर सके। अब प्रश्न उठता है कि विज्ञान भिक्षु जी ने अवतार का खंडन योग दर्शन के नाम पर क्यों किया? तो एक नियम है, लगभग 73 में, सन 1973 में पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग के आश्रम श्री वृंदावन धाम में 90 दिनों में 90 घंटे में मैंने अवतारवाद पर प्रवचन किया था, एक घंटा नित्य। उस समय की युक्ति याद है, मैंने कहा था, सन 73 की बात हो सकती है, जिनका ईश्वर परमात्मा भगवान जगत बना ही सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर अवतार भी नहीं ले सकता, यह एक अकाट्य सिद्धांत। भले ही कोई दार्शनिक वेदों को प्रमाण मानते हों और वेदों के आधार पर ईश्वर को भी मानते हों, तथापि यदि उनके द्वारा माना गया ईश्वर जगत का केवल निमित्त कारण निर्माता सिद्ध होता है, निर्मित होने वाला भी सिद्ध नहीं होता, तो उनका ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, एक शाश्वत सिद्धांत। इसमें आपको आह्लाद प्राप्त होगा, न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ है, ग्रंथकार ने भगवान श्री कृष्ण की वंदना की, मंगलाचरण के व्यास से उन्हें नमस्कार किया, जगत का बीज कह दिया, लिख दिया। राजीव लोचन नामक एक उनके शिष्य थे, राजीव लोचन जी ने अनुरोध किया कि गुरुदेव आपने जो कारिकावली की रचना की है, कदाचित
उसकी टीका स्वयं ही आप कर दें तो हम शिष्यों को बहुत आह्लाद होगा, सुगमता होगी। लाडले प्यारे शिष्य के अनुरोध को स्वीकार करके ग्रंथकार ने अपने ग्रंथ की स्वयं टीका प्रारंभ की। अपने द्वारा विरचित मंगलाचरण ही उनके लिए अवरोधक बन गया। मंगलाचरण में उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जगत के बीज हैं, जगत के बीज स्वरूप श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। अब वैशेषिक और न्याय दर्शन की सीमा में बीज तो ईश्वर को कैसे कह सकते, उपादान कारण तो कह ही नहीं सकते हैं, निमित्त कारण कह सकते हैं। उनके यहाँ तो पृथ्वी जल तेज वायु के अतीन्द्रिय परमाणु आरंभवाद की दृष्टि से जगत के उपादान कारण सिद्ध होते हैं, परमात्मा तो उपादान कारण सिद्ध ही नहीं होते। तब उन्होंने कहा यहाँ जो ग्रंथकार ने अर्थात मैंने मंगलाचरण में श्री कृष्ण को जगत का बीज माना है उसका अर्थ निर्माता निमित्त कारण है, कोई यह न समझ ले उपादान कारण। तो नैयायिकों ने ईश्वर का अस्तित्व माना, वैशेषिकों ने ईश्वर का अस्तित्व माना, लेकिन उनका ईश्वर जगत बना सकता है जगत बन नहीं सकता, एतावता श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण भी नहीं हो सकता। योगियों ने भी ईश्वर का अस्तित्व माना है, उनका ईश्वर क्या है, क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष। आजकल बहुत से विद्वानों को भी भ्रम है कि योगियों का जो ईश्वर है ईश्वर परिधान और समाधि की सिद्धि में तो हेतु है लेकिन जगत का न निमित्त कारण है न उपादान कारण। फिर से सुनिए, ऊंचे ऊंचे आजकल के पंडित विद्वान महात्माओं को भी भ्रम है कि योगियों का जो ईश्वर है ईश्वर परिधान है या नहीं, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर परिधान पांच नियमों में एक। योगियों का जो क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष रूप ईश्वर है वो परिधान के लिए है, समाधि की सिद्धि के लिए है, जगत का उपादान कारण तो नहीं है निमित्त कारण भी नहीं है। एक बार मैंने 24 साल पहले 10,000 व्यक्तियों के बीच में पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक सभा में प्रवचन किया था, जब मेरे नाम पर वेदकांड पूरे भारत में चल रहा था, तब उस समय मैंने कहा कि योगियों का ईश्वर जगत बना सकता है बन नहीं सकता, एतावता योगियों का ईश्वर श्री रामकृष्णादि रूपों में अवतीर्ण भी नहीं हो सकता। एक बहुत ही सुशील विद्वान ऋषिकेश आश्रम दंडी स्वामी वहाँ विद्यमान थे, उन्होंने बाद में कहा कि शंकराचार्य क्षमा करें, योगियों का ईश्वर जगत बनाता नहीं निमित्त कारण भी नहीं है। हमने मुस्कुरा दिया, लेकिन भगवान शंकराचार्य महाभाग ने ब्रह्मसूत्र में पाशुपत मत का जहाँ खंडन किया है, पाशुपतों का जो ईश्वर होता है वो जगत बना सकता है जगत बन नहीं सकता, ठीक इसी प्रकार शंकराचार्य ने कहा कि योगियों का ईश्वर भी जगत बना ही सकता है जगत बन नहीं सकता। और विज्ञान भिक्षु ने योग दर्शन की टीका में लिखा है सर्वज्ञ बीज होने के कारण योग सम्मत जो ईश्वर है वह जगत बना सकता है बनाता है। तो ईश्वर, योगियों ने ईश्वर का अस्तित्व तो माना, उनका ईश्वर भी जगत बना ही सकता है जगत बन नहीं सकता, एतावता श्री रामकृष्णादि रूपों में अवतीर्ण नहीं हो सकता। जो आर्य समाजी सज्जन है, मैं सज्जन कह रहा हूँ समझ गए, जो आर्य समाजी सज्जन है उनका ईश्वर भी जगत बना सकता है जगत बन नहीं सकता, इसलिए श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतार नहीं ले सकता। कुरान और बाइबल की सीमा में जो
खुदा और गॉड के नाम से ईश्वर का वर्णन किया गया है। वह ईश्वर भी जगत बना ही सकता है, जगत बन नहीं सकता। एतावता श्री रामकृष्णादि रूपों में अवतीर्ण नहीं हो सकता। तो दयानंद स्वामी ने जो अवतार का खंडन किया वो ठीक किया। क्यों किया? ठीक, उनका ईश्वर जिस कोटि का है उस इस कोटि का ईश्वर अवतार ले ही नहीं सकता है, क्योंकि उनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। तो उनके सिद्धांत की सीमा में उनका ईश्वर अवतार नहीं लेता है, तो गुड़ जिह्वी का न्याय, तेरी जिह्वा पर गुड़, गुड़ जिह्वी का न्याय, घी शक्कर हिंदी में कहते हैं, और बढ़िया, तेरी जिह्वा पर घी शक्कर संस्कृत में गुड़ जिह्वी का न्याय, तेरी जिह पर गुड़, इसका मतलब क्या है? लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर अवतार भी नहीं ले सकता, साक्षात अवतार नहीं ले सकता। इतना ही नहीं, उनका ईश्वर न साकार हो सकता है, अवतार नहीं लेगा तो साकार कैसे होगा? नीचे साकार नहीं, ऊपर निर्गुण नहीं, उनका ईश्वर सगुण निराकार बीच में टंगा रहता है। उनका ईश्वर न निर्गुण निराकार हो सकता है, न सगुण साकार, मध्य कोटि का होता है सगुण निराकार। नैयायिकों का ईश्वर सगुण निराकार, वैशेषिकों का ईश्वर सगुण निराकार, योगियों का ईश्वर सगुण निराकार, आर्य समाजी सज्जनों का ईश्वर सगुण निराकार, कुरान शरीफ का ईश्वर सगुण निराकार, बाइबल का ईश्वर सगुण निराकार। क्योंकि जानाति क्षति करोति, इस प्रक्रिया के अनुसार सगुण तो होना ही पड़ेगा, और साकार का रचयिता हो सकता है, निराकार हुए बिना साकार की रचना कैसे करेगा? इसलिए जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर जहाँ से रामकृष्णादि रूपों में अवतार नहीं ले सकता, वहाँ न तो सगुण साकार हो सकता है, न निर्गुण निराकार ही। इसलिए मैं संकेत करता हूँ, कुछ वैष्णवाचार्यों ने अवतारवाद को तो मान लिया, लेकिन उनका भगवान भी सगुण निराकार ही होता है, निर्गुण निराकार नहीं, ये अनुकृति है, वस्तुस्थिति नहीं है। क्या? अवतार तो माना भगवान का डट के वैष्णवाचार्यों ने, लेकिन कहा कि भगवान निर्गुण नहीं है, भगवान को निर्गुण नहीं माना। निर्गुणम, निष्क्रियम, शांतम, निर्वध्यम, निरंजनम आदि जो श्रुतियाँ हैं, यहाँ तो निर्गुण शब्द का प्रयोग किया गया है भगवान के लिए। तो दयानंद स्वामी ने वही अर्थ कर दिया जो श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने, निर्वगुण का अर्थ माना भगवान में स्वोचित अपने अनुकूल दिव्याति दिव्य गुणगण होते हैं, अचिंत्य अनंत गुणगण संपन्न या अचिंत्य अनंत गुणगण निलय भगवान होते हैं। भगवान में अपने अनुकूल अनुरूप दिव्याति दिव्य गुणगण होते ही हैं, भगवान अचिंत्य अनंत दिव्याति दिव्य गुणगण समलंकृत होते हैं, जीव निष्ठ हेय गुण गुणों से रहित होते हैं, एतावता भगवान को निर्गुण कहा गया। तो दयानंद स्वामी ने ठेठ हिंदी में उस समय कह दिया, खोटे गुणों से भगवान रहित होते हैं, अपने अनुकूल तो दिव्य गुणों से, अच्छे गुणों से भगवान भरपूर होते हैं। अतः श्रुतियों ने जहाँ कहीं निर्गुण शब्द का प्रयोग किया है भगवान के लिए, वहाँ अर्थ में संकोच करना चाहिए, अर्थात जीवनिष्ठ हेय गुणगण से रहित भगवान होते हैं। भगवद गीता के 16वें अध्याय में जो आश्रित संपत्ति का वर्णन है, जीवनिष्ठ जो हेय गुणगण होते हैं भगवान उनसे रहित होते हैं, स्वोचित दिव्याति दिव्य गुणगण संपन्न भगवान होते हैं, इसलिए
भगवान को निर्गुण कहा जाता है। लेकिन हमारे पूज गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाभाग ने बताया हमको, या घट या भूतल निर्घट है, या भूतल निर्घट है, घट से रहित है। अगर एक भी घट है तब उसको निर्घट कैसे कहेंगे? क्या अगर वृक्ष पर एक भी पक्षी है तो पक्षी विहीन कैसे वृक्ष को कह देंगे? अगर यहाँ पर ई भूतले घटो नास्ते, निर्घट भूतल है कह दिया, एक भी घट है तो भूतल को निर्घट नहीं कह सकते। भगवान में अदिव्य न सही, दिव्य एक भी गुण है तो भगवान को निर्गुण नहीं कह सकते। और फिर तो अनंत अचिंत्य गुणगण समलंकृत भगवान हैं, तो भगवान को निर्गुण आप कैसे कह सकते हैं? तो श्रुति का छल पूर्वक संकोच पूर्वक अर्थ हुआ ना। भगवती श्रुति ने जब कहा निर्गुणम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम, तो वहाँ सकल क्या हेय उपादेय सकल गुणगण से विरहित तो भगवान है, तभी निर्गुण कहेंगे। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध का दसवां स्कंध का भी वचन बहुत अनुकूल है, ग्राह्य है। श्रीमद् भागवत का वचन है, माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्य संगादयो गुणाः साम्य संगादयः अगुणाः। माम भजन्ति गुणा सर्वे, बहुत बढ़िया श्लोक। दिव्याति दिव्य गुणगण भी मेरा भजन करते हैं। माम भजन्ति गुणा सर्वे, दिव्यात दिव्य अचिंत्य अनंत गुणगण भी मेरा भजन करते हैं, सेवन करते हैं। स्वरूपतः मैं कौन हूँ? निर्गुणम निर्गुण हूँ। और तत्व की परिभाषा दी आनंद गिरी जी ने मांडुक्य कारिका भाष्य की टीका में, जो निरपेक्ष होता है उसका नाम तत्व होता है, सापेक्ष का नाम तत्व नहीं होगा। यहाँ भी कहते हैं ना, मैं स्वतंत्र थोड़े हूँ, पर सापेक्ष का नाम स्वतंत्र नहीं होता, तो निरपेक्ष का नाम तत्व होता है। तो भगवान ने कहा निर्गुणम निरपेक्षकम, मैं निर्गुण हूँ निरपेक्ष हूँ। निरपेक्ष हूँ माने दिव्यात दिव्य गुणगण की भी मुझे अपेक्षा नहीं है। श्री रामानुजाचार्य महाभाग की शैली में अगर हम कहें तो दिव्यात दिव्य गुणगण को भी क्या कहेंगे? शेष। और भगवान कौन होंगे? शेष ही। दिव्यात गुण दिव्यात दिव्य गुणगण जो हैं वो भी शेष कहे जाएंगे, शेष। और भगवान शेषी, इसका अर्थ हुआ, मैं एक उदाहरण देता हूँ वात्सल्य रस की दृष्टि से। माता के वक्षोज में धवल दुग्ध की धारा होती है, लेकिन बाल गोपाल के पोषण के लिए या अपने पीने के लिए? ऐसे भगवान में दिव्यात दिव्य तारक गुणगण है, क्या भगवान में अचिंत्य अनंत दिव्यात गुण गण तारक हैं। भगवान के एक गुण का भी आश्रय लेंगे तो भवसागर से तरने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन भगवान स्वरूप से निर्गुण और निरपेक्ष हैं, तो उन दिव्यात दिव्य गुणगणों से की भी भगवान को अपेक्षा नहीं है। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम, उन दिव्यात दिव्य गुणगणों से भी भगवान निरपेक्ष हैं, दिव्यात दिव्य गुणगण की भी भगवान को अपेक्षा नहीं है। एक बार 25 साल पहले श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य स्वनामधन्य स्वरूपानंद सरस्वती महाभाग और हम कहीं एकांत में बैठे थे, उन्होंने कहा कि मठ तो जो आपको मिला है खंडहर है, अब आपकी योजना मठ को परिष्कृत करने के लिए कुछ हो तो बताइए। तो मैंने कहा उस मठ का नाम गोवर्धन मठ है। मठ में भगवान शंकराचार्य के चिन्मय कर कमलों से प्रतिष्ठित गोवर्धन नाथ हैं। तो हरियाणा नस्ल की एक दो गाय मिल जाए, या मेरी भावना है मठ का कायाकल्प गाय से ही प्रारंभ करूं। उन्होंने कलकत्ता के किसी सेठ को चेताया होगा, दो गायें हमारे पास भेज दी।
उसमें जो एक गाय थी उसके साथ बछड़ा भी था, वो गाय इस ढंग से पीछे का पांव हटाती कि अपना दूध स्वयं पी लेती थी और अपना बच्चे को भी पीने नहीं देती, बिल्कुल सिंह से खदेड़ कर आधा किलोमीटर दूर भगा देती। ऐसी विचित्र गाय थी, ग्वाले को क्या दूध नहीं देती, अपने बेटे को भी नहीं देती थी एक बूंद, बड़ी विचित्र गाय। और जन्मजात कला ऐसी उसकी, पीछे के एक ऐसे पांव हटा लेती और गर्दन लेकर के अपना दूध स्वयं पी लेती। अब उसका बच्चा दूध पिए तो कैसे, दूध पीने योग्य अवस्था थी। उड़ीसा नस्ल की देसी गाय ऐसी थी, अपने बच्चे का उस गाय के बच्चे को दोनों को दूध पीने देती थी। क्या उड़ीसा नस्ल की देसी गाय आकृति में छोटी ऐसी दिव्य थी, अपने बच्चे को ही नहीं उस बच्चे को जिसकी माँ उसको मार के भगा देती थी, दूध नहीं पीने देती थी, उसको भी पिलाती थी। हम लोग देख कर हंसते रहते थे, मुस्कुराते थे। तो क्या अर्थ हुआ, सचमुच में माता के वक्षोज में जो धवल दुग्ध की धारा है पयोधर में, वो अपने पीने के लिए नहीं है, बाल गोपाल की तृप्ति के लिए है। ऐसे भगवान में जो अचिंत दिव्याति दिव्य गुणगण है, वो भगवान के किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए नहीं, हम जो उनके अंश सरीखे बाल गोपाल हैं, भगवान के किसी भी गुणगण का आलंबन लेकर भगवान तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन वो गुणगण क्या है, माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियम आत्मानम साम्या संगा दयो गुणा। फिर भगवान ने कहा मैं कौन हूँ, सुहृद, सुहृद भगवान सुहृद हैं। गीता के पांचवें अध्याय में भगवान ने अपने को सुहृद कहा, यहाँ पर भी भगवान ने अपने को कहा सुहृद। एक मित्र होता है, एक सुहृद होता है। प्रत्युपकार की भावना रखने वाला मित्र होता है। मैंने इसके कष्ट को दूर किया, मैं इसके काम आया तो यह भी मेरे काम आवे, प्रत्युपकार की भावना वाला सामान्य रीति से मित्र कहा जाता है। मित्र और सुहृद दोनों शब्द अगर एक जगह प्रयुक्त हों तो पुनरुक्ति दोष के वारण के लिए अर्थ में भेद करना पड़ता है, नहीं तो जो मित्र का अर्थ है वही सुहृद का, जो काम का अर्थ है वही राग का। लेकिन कदाचित कोई आर्ष महापुरुष दिव्य महापुरुष एक ही स्थल पर दोनों शब्दों का प्रयोग कर दें, काम राग बलान्वित बलान्विता, काम और राग का अर्थ तो एक ही होता है। लेकिन जब गीता में भगवान ने कह दिया काम राग बलान्विता और काम राग विवर्जित, तो दोनों शब्दों का प्रयोग जब कर दिया तो टीकाकार भाष्यकार का दायित्व तो होता है कि पुनरुक्ति दोष को बचाने के लिए अवान्तर भेद कर लें। जैसे रामचरितमानस में विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ठीक, अब ब्रह्म और वेद दोनों का, तो ब्रह्म का अर्थ भी वेद होता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत सूरय। अच्छा, और भगवद गीता के तीसरे अध्याय में वेद किससे उत्पन्न हुआ, अक्षर से, वहाँ पर वेद का अर्थ क्या हुआ, ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, यहाँ ब्रह्म का अर्थ है वेद। ब्रह्मा में ब्रह्म के साथ आ की मात्रा लग गई, वेद मूर्ति का नाम है ब्रह्मा, ब्रह्मा, यहाँ भी ब्रह्मा में भी जो ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है वो वेद के अर्थ में ही है। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, गीता के तीसरे अध्याय में ब्रह्माक्षर समुद्भवम, अक्षर समुद्भव ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म का अर्थ हुआ वेद। तो जब कहेंगे कि विभुम व्यापकम, तो जो विभु का अर्थ होता है वही व्यापक का अर्थ होता है, और ब्रह्म वेद स्वरूपम, वेद का जो अर्थ होता है ब्रह्म का, ब्रह्म का जो अर्थ होता है वेद का, अब पुनरुक्ति दोष के ये वो बचाने के लिए अर्थ में भेद करना पड़ता है। विभुम व्यापकम एक का अर्थ करेंगे वस्तुकृत परिच्छेद शून्य, दूसरे का अर्थ करेंगे क्या, देशकृत परिच्छेद शून्य, अपुनरुक्ति दोष का वारण हो जाएगा, यह शास्त्र की मर्यादा है।
एक अर्थ करेंगे वेद वेद्य ब्रह्म, ब्रह्म वेद स्वरूपम, एक वेद का अर्थ करेंगे वेद ही, एक ब्रह्म का अर्थ कर देंगे सचमुच में जो परब्रह्म परमात्मा है वेद वेद्य। इस प्रकार से हमने बताया सुहृत और मित्र का अर्थ एक होता है, लेकिन एक जगह कदाचित दोनों शब्दों का प्रयोग हो जाए तो पुनरुक्ति दोष के वारण के लिए शास्त्र की मर्यादा है अवान्तर भेद कर लेना चाहिए। तो सुहृत कहते हैं प्रत्युपकार की भावना के बिना जो उपकार करता हो। एक अनुभव की बात तुलसीदास जी ने बहुत विचित्र लिखी, उस पंक्ति पर तो मैं लट्टू हो जाता हूँ। एक जगह तुलसीदास जी ने कहा सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, किसी को नहीं छोड़ा, सब दिव्य मनुष्यों का नाम ले लिया, स्वार्थ को लेकर ही प्रीति करते हैं। कोई अपवाद है क्या कि बिना स्वार्थ के प्रीति करते हो? हे तु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी, बिना हेतु के स्वार्थ के दो ही प्रेम करते हैं। एक तो प्रभु आप या आपके कोई दास सेवक भक्त, ठीक है, बाकी 14 भवन घूम आइए परीक्षा कर लीजिए, बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले कोई मिल जाए तो हमको बताइए, मिलेंगे तो दो में से कोई एक या दोनों। सूर्य नर मुनि सबकी या रीति स्वार्थ लाए करें सब प्रीति, लेकिन स्वार्थ ही दोनों होते हैं, स्वामी भी सेवक भी, नौकरी देने वाले भी चाकरी करने वाले भी। अब मर्यादा बीच में आ जाए तो संबंध मधुर बना रहता है, पत्नी का स्वार्थ पति से, पति का स्वार्थ पत्नी से, लेकिन बीच में मर्यादा है तो विस्फोट नहीं। मर्यादा का अतिक्रमण करके जब कोई स्वार्थ की सिद्धि करने लगता है तो विस्फोट हो जाता है। लेकिन निस्वार्थ प्रेम करने वाले कौन हैं? या तो भगवान या भगवान के कोई सिद्ध भक्त, अमलात्मा, परमहंस, आप्त काम, पूर्ण काम। तो हमने क्या बताया? हमने यह बताया भगवान ने कहा सुहृदम, मैं सुहृत हूँ। निमसारण की बात है किसी साधक पर कोई संकट आ गया था, क्या संकट था मुझे याद नहीं, मैंने सहयोग किया ये भी नहीं मुझे पता, धन का सहयोग तो किया ही नहीं होगा, दो पैसे नहीं होते थे। ऐसे ऐसे महात्माओं के पास हम रहे हैं, 24 घंटे में 2 घंटे वो सोते थे और हम 1.5 घंटे सोते थे, वो कुल 2 घंटे, हम 1.5 घंटे तब सेवा कर पाते थे। 1 रुपया कभी नहीं दिया, 1 फल नहीं दिया हमने चुरा के या दिखा के, ना 1 रुपया लिया ना 1 फल लिया। ईंट को तोड़ तोड़ के मंजन करता था, देखिए दांत की दुर्दशा, कई दांत टूट। वृंदावन में लोगों को होता था कि इनके पास लाखों रुपये हैं, 2 रुपये नहीं होते थे, ईंट को तोड़ तोड़ के मंजन, रसोई घर से नमक मंगा करके मंजन करता था, दांत की बलि दे चुका। सीधे नहीं शंकराचार्य बने, बहुत पापर बेलना पड़ता है क्या इस पद तक पहुंचने के लिए, या संत जीवन निभाने के लिए, रसगुल्ला भंडारा के लिए नहीं है, बहुत पापर बेलना पड़ता है सज्जनों, बहुत घाटी या विचित्र बाबा होना। तो हमने क्या संकेत किया? क्या मैंने विचार से कुछ किया होगा उसका सहयोग? धन से तो नहीं है किया होगा। वो बड़ा विचित्र निकला, उसने कहा कि भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार की विपत्ति में आपने मेरा सहयोग किया उससे कई गुना अधिक विपत्ति आपको प्राप्त हो, ताकि ऋण चुकाने के लिए मैं भी आपके काम आ सकूं। अब मैं तो मुंह देखने लग गए। क्या? जिस प्रकार की विपत्ति में आपने मेरा सहयोग किया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, रोता हुआ बोल रहा था, कि आपको उससे कई गुना अधिक विपत्ति प्राप्त हो ताकि मैं काम आ सकूं। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, भगवान की सेवा तो की, लेकिन राम जी ने क्या कहा, प्रत्युपकार तो कर नहीं सकता, तो मरिणिया बन के बना रहो, ये तो भगवान के वचन है। उस साधक ने कहा आप पर 10 गुनी विपत्ति बज रहे ताकि मैं काम आ सकूं। नहीं, भगवान ने कहा सुहृदम, हे तुरहित उपकार करने वाला हूँ,
जीवों के अगर कोई सुहृद हैं तो कौन है भगवान। सुनिए, शरीर तो मिला है छूट जाएगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है क्या? चाहे भौतिकवादी हो या भौतिकवादी हो, शरीर मिला है छूटेगा, ये तो सर्वसम्मत सिद्धांत है। ऊपर परमात्मा और नीचे मन साथ देगा, तीसरा कोई साथ नहीं देगा। मन उपलक्षण है पूरी अष्टक के लिए। परमात्मा साथ देंगे चाहे नरक में जाना पड़े कर्म के फलस्वरूप। अरे नरक का जो आकाश होगा उसको नरक की वेदना व्यापेगी नहीं ना? भगवान तो व्यापक है तो नरक में है या नहीं? तो प्रकृति पार प्रभु, नरक की वेदना जब आकाश को नहीं व्याप्त हो सकती तो भगवान तक कैसे पहुंचेगी? तो भगवान ऐसे हैं सुहित द्वा सुपर्ण सयुजा सखाया, छंदसा प्रयोग है, द्वा सुपर्ण सयुजा सखायऊ, वो छंदसा प्रयोग है वैयाकरणों की दृष्टि से, द्वा सुपर्ण सयुजा सखायऊ। तो जहाँ जीव और ईश्वर को मानते हैं सखा, वहाँ नरक में भी जीव जाता है तो वहाँ भी भगवान साथ नहीं छोड़ने वाले। और नीचे मन नहीं साथ छोड़ेगा, नरक में जाएगा या नहीं? एक बहुत विचित्र बात है, दो नहीं साथ छोड़ते, ऊपर भगवान और नीचे मन। और मन कब तक साथ नहीं छोड़ेगा? दर्शन है, योग दर्शन आदि का अध्ययन कीजिए, मैं चुलबुली भाषा में बोल रहा हूँ, बहुत विचित्र तथ्य है। मन जब तक जीव को मुक्त नहीं करा देता तब तक उसका साथ नहीं छोड़ता। पत्नी साथ छोड़ देगी, पति साथ छोड़ देंगे, एक दिन ऐसा होएगा कोई काहू को नहीं, घर की नारी कौन कहे तन की नारी जाए, शरीर साथ छोड़ देगा। महाप्रलय में भगवान से एकीभूत होने के बाद फिर जब हमको प्रारब्ध के फलस्वरूप जीवन प्राप्त होना होगा, वही हमारा मन भगवान हमको फिर दे देंगे। महाप्रलय में जैसे मेढक होता है ना, मेढक को चकनाचूर कर दे कोई, या गर्मी में चकनाचूर हो जाए, उसकी हड्डी पसली मिट्टी में मिल जाए, फिर उससे मेढक पैदा हो जाते हैं दरदुर। मेढक की जीवनी शक्ति कितनी ऊंची होती है, उसके शरीर का कोई भी अंश अगर मिट्टी में रह गया, गला पचा भी, उससे फिर मेढक की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार महाप्रलय में 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक हमारा मन और हम दोनों भगवान से एकीभूत होकर रहते हैं, लेकिन फिर अकृतार्थ प्राणी को जब भगवान जीवनी शक्ति प्रदान करने चलते हैं तब उसका मन उसे लौटा देते, लो तुम अपना मन ले लो, जो मन महाप्रलय के पूर्व हमको था, जिस योग्यता वाला, वही मन हमको फिर प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब भोग और अपवर्ग, मन का उद्देश्य है अपने मालिक स्वामी जीव को भोग और अपवर्ग देना। और एक विचित्र बात है, केवल भोग भोगने से जीवन सार्थक होता ही नहीं, इसलिए जब तक अपवर्ग की मोक्ष की सिद्धि न हो तब तक हमारा आपका मन हमारा आपका साथ नहीं छोड़ेगा। कुछ साथी है, क्योंकि पैंगी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दो सखा हैं। यहाँ पर दो सखा का अर्थ क्या हुआ? अंतःकरण या बुद्धि और जीव। वहाँ जीव और ईश्वर को सखा नहीं कहा गया। कई जगह उपनिषदों में ब्रह्मसूत्र में भी जीव और ईश्वर को सखा बताया गया, सनातन सखा। और पैंगी राष्ट्रीय उपनिषद जो भगवान शंकराचार्य को बहुत मान्य है, उसमें जीव और बुद्धि या अंतःकरण को सखा माना गया है। तो मन के साथ हमारा तीन तीन संबंध है सज्जनों। पहला संबंध कौन है, क्या है? हम स्वामी हैं, मन सेवक है। दूसरा संबंध, हम गुरु हैं, गुरु और मन शिष्य है। अहम गुरुर महाबाहो मन शिष्यम च विद्धि में,
अंगीता में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन के प्रति, अहम गुरु महाबाहो मनस्यम च विद्य में, हम आप स्वामी हैं, मन हमारा सेवक है, हम आप गुरु हैं, मन हमारा क्या है शिष्य है और सखा है मन, हम पालक सखा है, मन बालक सखा है, मन सखा भी है, सेवक भी है और शिष्य भी है। तो मन के साथ व्यवहार करने वाले जैसा व्यवहार करना चाहिए कम व्यक्ति हैं। और एक विचित्र बात है, भोग अपवर्ग दोनों ही प्रयोजन, अगर चार पुरुषार्थ को दो शब्दों में कहना हो तो क्या कहेंगे, भोग और अपवर्ग। फैला को कहना हो तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष को दो ही शब्दों में कहना हो तो भोग और अपवर्ग दो ही शब्दों में पुरुषार्थ चतुष्टय को उद्भाषित करते हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन केवल भोग्य पदार्थों के सेवन से सार्थक हो नहीं सकता, इसलिए जब तक जीव को मन मोक्ष, वो भी कौन सा मोक्ष, कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त करा देता तब तक जीव का साथ देता रहता है, ऐसा सखा कौन मिलेगा। ऊपर भगवान और नीचे मन, भोग्य पदार्थों का सेवन करने पर जीवन सार्थक क्यों नहीं हो सकता। संकेत में कहता हूँ, जो भी भोग्य पदार्थ होंगे वो तो प्रकृति के कार्य होंगे, जो भी भोग्य पदार्थ होंगे चाहे स्वर्ग के ही क्यों ना हो, दिव्य ही क्यों ना हो, वो तो अनात्मा होंगे और अनात्मा होने के कारण अनित्य, जड़ और दुखप्रद होंगे ही, अयोगास्पद संयोगास्पद वियोगास्पद होगा ना भोग, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइनो नित्यास्तम्भ भारत। अर्थात भोग्य पदार्थ असच्चिदानंद होगा, स्वतः सत नहीं, स्वतः चित्त नहीं, स्वतः आनंद नहीं, अभोग्य पदार्थों के सेवन का परिणाम मृत्यु का भय, जड़ता और दुख। हम उदाहरण दिया करते हैं, साल में दो चार बार बंगेरी की लहर, ऐसे वक्ता की लहर, अब कोई एक दो प्रवचन तो हमने तैयार नहीं किया, भगवत कृपा से हजारों प्रवचन हैं, अब कहाँ कौन सी धारा निकल जाए हमको भी नहीं मालूम रहता। श्रोता का प्रारब्ध, वातावरण, इन सब के द्वारा जो उल्लास आ जाए, जो लहर चल जाए, ऐसा तो नहीं है ना 10-20 प्रवचन तैयार हों, 2-4 हज़ार प्रवचन तो तैयार होंगे कम से कम, लेकिन जो लहर जब चल जाए तो हमने क्या संकेत किया, हमने यह संकेत किया कि अयोग के गर्भ से जो संयोग टपकता है वियोग रूप गर्भ में जाकर समा जाता है। जितने भी भोग्य पदार्थ हैं अयोगास्पद संयोगास्पद वियोगास्पद होने के कारण मृत्यु जड़ता दुख में पर्यवसान हो जाता है उनका। मरी हुई छुछुंदरी को नाक से चिपका कर कोई चमेली जैसे सुगंध प्राप्त कर ले संभव है क्या, कई मुक्त का न्याय। जब जीवित छुछुंदरी के शरीर से दुर्गंध की प्राप्ति होती है तो फिर क्या कहना कि मरी हुई छुछुंदरी को कोई नाक से चिपका कर चमेली जैसे सुगंध की प्राप्ति कैसे कर सकता है। इसीलिए भोग्य पदार्थों का भोग करने पर जीवन सार्थक नहीं हो सकता, हो गया होता आप तो आस्तिक हैं, हो गया होता तो अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय कदाचित हम आप कृतार्थ हो गए होते। 9 बजे तो बता देना दिनेश जी आएंगे मिलने, समय दिया अभी क्या हुआ सब ठीक। तो हमने कहा अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक कदाचित हम आप कृतार्थ हो गए होते, भोग्य पदार्थों ने हमको कृतार्थ कर दिया होता तो जन्म ही क्यों होता। यम यम वापिस्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। देहत्याग के अव्यवहित पूर्व क्षण में जिस प्रकार की वृत्ति बनती है वह वृत्ति ही हमारे शरीर का रूप धारण करती है और कालांतर में शरीरप्रद भी हो जाती है। क्या
अगर राजर्षि भरत ने जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, कल्प वेद है, दोनों प्रकार के वचन हमारे पूज गुरुदेव ने विचार पीयूष नामक ग्रंथ में उद्धृत किया। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद और एकादश स्कंद में ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र भरत जी के नाम पर देश का नाम भारत हुआ यह है। शतपथक ब्राह्मण आदि में और एक प्रकार से प्रकारांतर से महाभारत में भी दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत हुआ। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने विचार पीयूष नामक ग्रंथ में दोनों प्रकार के वचनों को समुद्रित किया है कल्प वेद से। कल्प वेद हरिचरित सुहाए है तो रामचरित मानस का वचन, मूल वचन आनंद रामायण में, मूल वचन आनंद रामायण में है, उसका अनुवाद तुलसीदास जी ने किया। कल्प वेद, कल्प वेद हरिचरित सुहाए, कल्प के भेद से भगवान के चरित में किंचित भेद हो जाता है। किसी कल्प में दुष्यंत नंदन भरत के नाम पर देश का नाम भारत होता है, किसी कल्प में ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत होता है। दोनों दृष्टियों से विचार करें तो राजर्षि दोनों सिद्ध होते हैं, उनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। एक विचित्र बात है, भरत जी की मनोवृत्ति मृगाकार न होती, कदाचित देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भरत जी की मनोवृत्ति मृगाकार न होती तो कोटि कोटि मृग दंपति अहर्निश विहार करके भी भरत जी को मृग शरीर दे सकती थी क्या? दंपति दीर्घिकार क्या? कदाचित देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में, दो चार क्षण अव्यवहित माने अंतिम अंतिम, उससे जिसके पहले जिसके बाद और कोई वृत्ति ना हो, देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में राजर्षि भरत की मनोवृत्ति मृगाकार न हुई होती तो कोटि कोटि मृग दंपति अहर्निश विहार करके भी राजर्षि भरत को मृग भरत बनाने में समर्थ न होती। इसलिए यम यम वापिस वरण भावम त्यजत्यंते कले वरम तम तमे वैति कौंतेय सदा तद्भाव भाविता। लगे हाथ पंचदशी कार के अनुसार ध्यान का महत्व भी आ गया, सावधान है ना। पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने क्या कहा, असत भी सत हो जाता है ध्यान के बल पर, फिर मिले मिलाए साजन प्रीतम भगवान ध्यान के बल पर हमको क्यों नहीं प्राप्त होंगे। फिर से मैं बोलता हूँ, ध्यान में क्या क्षमता है, असत को भी सत कर देने की क्षमता है। उदाहरण तो मैंने पहले दे दिया लेकिन स्पष्टीकरण हो जाना आवश्यक है। राजा भरत को मृग का शरीर नहीं प्राप्त था ना, उसके लिए उनके लिए मृग शरीर असत था या नहीं? लेकिन मृगाकार वृत्ति ने, ध्यान के ही प्रगल्भता ने मृग शरीर दे दिया। ध्यान में वह क्षमता है कि असत को भी सत कर दे, फिर जो सत स्वरूप परमात्मा है उनका ध्यान करने पर जीव सदरूप कैसे नहीं हो सकता। एक बार गुफा में बैठकर, ऐसे नहीं ये सब आते हैं, श्रीमद् भागवत में दो स्थलों पर दत्तात्रेय महाराज के गुरुओं का नाम है। हम लगभग 63 से महाराज दत्तात्रेय की शैली में सबसे शिक्षा ले लेते हैं, चटाई खटाई मिठाई पिटाई मित्र शत्रु सब। हमसे हमारे शिष्य भी शिक्षा ले पावें या न ले पावें, लेकिन हम उनसे भी शिक्षा ले लेते हैं। दत्तात्रेय जी वाली दृष्टि, भगवान दत्तात्रेय की हमने 6 महीना एकांत पर रहकर श्री कृष्ण उपासना की है और अवधूत गीता का उस समय 6 महीने में अध्ययन भी किया है। निर्मूल मूल रहितो ही सदोदितो हम, निर्धूम धूम रहितो ही सदोदितो हम, निर्दीप दीप रहितो ही सदोदितो हम, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। अवधूत गीता, कहाँ अवधूत गीता, 1966 का पढ़ा हुआ है। इसका मतलब दत्तात्रेय जी की शैली में हम गुरु बनाते रहते हैं। तो देखिए, एक बार हमने क्या किया, नैमिषारण्य में
ये गुफा में छिप गए, जहाँ की मिट्टी गीली थी, सीमेंटेड नहीं थी, और लगभग 2 घंटे तक अकेले बैठे रहे जंगल में भृंगी कीट से शिक्षा लेने के लिए। भृंगी कीट, भृंगी भृंगी होती है ना, उसको मैंने देखा कि सामने जो वन था या वाघ था उसमें उड़ती थी, उसको जन्मजात वह क्षमता थी कि किस कीट विशेष को डंक मारने पर मूर्छित करके अमुक विधा से इतने समय में मैं अपनी सरीखी भृंगी बना सकूं। मेढक को थोड़े भृंगी बना देगी भृंगी। एक जाति विशेष के कीट को ही, जैसे जो पारस होता है वो तो लोहा को सोना बनाता है, लेकिन ये तो भृंगी तो जाति विशेष के कीट को भृंगी ही बना देती है। तो लगभग 45 मिनट उसको एक विशेष जाति के कीड़े को भृंगी बनाने में लगता है। उसकी प्रक्रिया मैंने देखी, 3 भृंगी को बनते हुए देखा, लगभग 5-5 घंटे में एक एक भृंगी विजाति कीट को भृंगी बनाने में समर्थ होती है। तो डंक मारती है जाके, डंक इतने जोर से मारती है कि सामने वाला कीट उसके डंक के बल पर मूर्छित हो जाता है। फिर उसको पकड़ के ले आती है गीली जगह, जिस जहाँ उसने छिद्र किया है, मिट्टी हटा दी है, वहाँ उसको बंद करके पाँव से यों यों करके मिट्टी भर देती है और गूंज करती है चारों ओर। अगर गूंज में कोई व्यवधान कर दे तो अंदर जो बिल में छिपा हुआ मूर्छित कीट है वो मर जाएगा, फिर भृंगी नहीं बन पाएगा। गूंज करती है चारों ओर और बिना घड़ी के ही लगभग 45 मिनट में उसको बोध हो जाता है कि मेरे द्वारा डंक के कारण मूर्छित और गुनगुनाहट के कारण ध्यान निमग्न जो कीट है बिल में बंद, अब भृंगी बन गया होगा। फिर वो क्या करती है, पांव से मिट्टी को हटा देती है और नई जो भृंगी आती है, गुरुजी माताजी आपने मुझे भृंगी बनाया, आज्ञा हो तो मैं भी भृंगी बना दूं, ये सब कुछ नहीं, वही स्वभाव। वहाँ तो कुछ अंतर है, निज प्रतिबिंब राख तय सीता तय से रूप शील सुविनीता, वहाँ तो किंचित। लेकिन आगे क्या कहा तुलसीदास जी ने, प्रतिबिंब और लौकिक कलंक प्रचंड पावक महाजरे। प्रतिबिंब सीता जल गई, लक्ष्मण हूँ या मरम न जाना, वो रामायणी नहीं बनूंगा, बन बहुत रामायण की कथा बचपन की है, यहाँ उड़ियावादी के यहाँ 12 वर्षों तक रामायण की कथा कहते थे शाम को। तो हमने एक संकेत किया, क्या किया, वो भृंगी। तो इसका मतलब वो जो कीट था जिसको भृंगी ने डंक मारा, वो कीट भृंगी तो नहीं था ना, उसके लिए भृंगी का शरीर असर था या नहीं। लेकिन ध्यान की प्रगल्भता से सदा तद्भाव भाविता, ध्यान की प्रगल्भता से विजाति कीट भी भृंगी बनने में समर्थ हुआ या नहीं। तो पंचदशीकार ने कहा ध्यान की यह प्रगल्भता है, महिमा है असत की भावना। असत माने जो हमको संपलब्ध नहीं है, जो हम नहीं हैं, उसका नाम असत। बंध्या पुत्र के समान यहाँ असत नहीं, मृग शरीर हमको सुलभ नहीं है तो मृग शरीर हमारे लिए असत हुआ या नहीं। हमारे लिए तो मृग शरीर हम नहीं है ना, तो असत हुआ ना। मृग के चिंतन ने मृग बना दिया, भृंगी के चिंतन ने भृंगी बना दिया। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया, अगर देहत्याग के अव्यवहित पूर्व क्षण में, पूर्व जन्म में हम कृतार्थ हो गए होते तो हमको यह शरीर ही क्यों मिलता। हम लोग दम्भी तो नहीं है कि हम साक्षात रामकृष्ण के अवतार हैं। कई कल की भगवान को हमने अपनी आँखों से मरते हुए देखा, समझ गए। 57 वर्ष हो गए बाबा बने, कई ढोंगी बाबा आए, बाबू आए कि मैं कल्कि का अवतार हूँ अपने लिए, कल्कि का अवतार। एक कल्कि का अवतार ने पत्र लिखा 10 वर्ष पहले, मैं तो कल्कि का अवतार हूँ, आपसे भी प्रमाण पत्र मिल जाए तो अच्छा है कि तुम कल्कि का अवतार हो, माने भगवान को भी मेरा प्रमाण पत्र चाहिए, इतना गौरवान्वित हमको किया। कल्कि भगवान ने इतना हमको गौरवान्वित किया कि उनको भी शंकराचार्य का प्रमाण पत्र चाहिए। तो मैं क्या उत्तर देता ऐसे व्यक्ति को, समझ गए। तो ये ढोंगी तो हम लोग नहीं है ना, दम्भी।
अरे हम लोग कर्म के फल स्वरूप, कर्म मिथ्या है, जन्म मिथ्या है, वो सब बात अलग है। अगर जो गुरुओं से ज्ञान प्राप्त हुआ यहाँ बोलूँ, आप यही कहेंगे कि ये हॉस्पिटल मान क्या पागल खाने में भेजने योग्य। जो सच्ची बात है मैं बोल दूँ ना, आप लोग कहेंगे मस्तिष्क कुछ खराब हो गया शंकराचार्य। जो ज्ञान का चरम स्वरूप है, अगर एक दो वाक्य भी बोल दूँ आप चकरा जाएंगे। एक दो वाक्य भी बोल दूँ तो बुरा न मानो, होली है, चलो एक वानगी दिखा देता हूँ। अब होली है ना, होली पे जाते हैं वृंदावन, किसको मारे हैं? काल्पनिक जगत में मार रहा हूँ, बाहर नहीं। एक पतिव्रता जितने बार पति को देखती है पति के आकार की वृत्ति बनती है। एक क्षण में भी पति के आकार की वृत्ति बनी, फिर वृत्ति टूट गई। दो मिनट बाद फिर पति को देखा, पति के आकार की वृत्ति बनी। बीच में जितना समय मिला वो पति मर गया था। अब ये सब बातें कहेंगे तो कहेंगे पागल हैं, ये तो छोटी सी वानगी दिखाई, ना ये मंच है ना हम है, कुछ है ही नहीं, हम सिद्ध कर सकते हैं, जगत हुआ ही नहीं सिद्ध कर सकते हैं। वानगी बता दे थोड़ा मांडू के कार्य का, उत्पत्ति के 9 प्रकार होते हैं, एक भी प्रकार सिद्ध नहीं होता। सत्य से सत की उत्पत्ति, सत्य से असत की उत्पत्ति, सत्य से सद सत की उत्पत्ति, तीनों नहीं संभव है। असत से सत की उत्पत्ति, असत से असत की उत्पत्ति, असत से सद सत की उत्पत्ति, तीनों संभव नहीं। असत सद सत से सत की उत्पत्ति, सद सत से असत की उत्पत्ति, सद सत से सद सत की उत्पत्ति, ये भी नहीं। उत्पत्ति के 9 ही प्रकार होते हैं, एक भी प्रकार नहीं बनता। तो न हमारा जन्म हुआ, न हमारे पिता का जन्म हुआ, न टेंट का जन्म हुआ, न कुछ हुआ, न आदित्य न जोगी जी का जन्म हुआ, न मोदी जी का जन्म हुआ, न निश्चलानंद का जन्म हुआ। अगर हम ये बोलें तो लोग कहेंगे पागल खाने में भेज दो इनको। बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची यही है, लेकिन सत्य को समझने के लिए बहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान माम प्रपद्यते, विचित्र बात। उदाहरण दे दें, एक रस्सी पर ही थी मन अंधकार में जा रहे थे, मालूम पड़ा कि सर्प है, सोचा वो अपना सोया हुआ है भाई, हमको वो नहीं छेड़ता, हम क्यों छोड़े, हम अपना मार्ग निकाल लें, दूरी से चल गए। अब 5 मिनट बाद या 15 मिनट बाद या 2 घंटे के बाद उसी रास्ते से फिर वो आया लौटा, क्या उसने सोचा तब से ये सर्प सोया हुआ है, नींद लगी हुई है, मरा हुआ तो नहीं है, हवा के कारण रस्सी हिल भी रही थी। अब प्रश्न उठता है, जब उसने 5 घंटे पहले या 5 मिनट पहले रस्सी को सर्प समझा था, तभी उसके लिए वो सर्प उत्पन्न हुआ था या नहीं? विषय ही ना हो तो ज्ञान कैसे होगा। और 5 मिनट बाद या 5 घंटे बाद जब उसने फिर कहा यह वही सर्प है, तो वो सर्प बना हुआ था क्या? तत्काल फिर उत्पन्न हो गया, हुआ या नहीं? क्या वही सर्प है या नहीं? तत्काल उत्पन्न हो गया क्या? अरे तो भ्रम का सर्प था। तो जगत को हम प्रातिभाषिक जब मानते हैं, जितने बार जिसका ज्ञान होगा उतने बार वो वस्तु उत्पन्न होगी, ज्ञान हट गया तो वस्तु खत्म हो जाएगी। अब इस चीज़ को कौन मानेगा? अपने ही देह की वृत्ति जब बनी तब देह उत्पन्न हो गए, शरीर उत्पन्न हो गया, देह की वृत्ति शांत हो गई तो मान लो शरीर खत्म हो गया। तो चरम सत्य को तो बोलना भी हाँ, चरम सत्य को बोलना, समझना और धारण करना तो हृदय फट जाए, चरम सत्य को बोलना भी बहुत कठिन। तो प्रवचन को विराम की ओर ले जाता हूँ। अगर अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक हम आप कृतार्थ हो गए होते तो हमारा आपका जन्म ही क्यों होता? इसलिए केवल भोग्य पदार्थों का सेवन करने पर जीवन सार्थक नहीं हो सकता। तब मन का उपयोग बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होय राम का नाम लो तुलसी तज कुसमाज। बहुत बढ़िया कहा तुलसीदास जी ने, क्या कहा? बिगड़ी जन्म अनेक की, तो फिर सुधरे अब ही आज। पहले पाठक क्रम से अर्थक्रम बलवान होता है,
आज ही सारी बिगड़ी हुई बातें बन जाएंगी। आज 24 घंटे के दिन रात्रि होते, अभी आज, अभी आज को क्या कर ले, आज और अभी तुम्हारी बात बिगड़ गई, अनेकों जन्म से बिगड़ती आ रही है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज। उपाय क्या है, होय राम का नाम लो, राम जी का होकर के राम का नाम लो, परहेज भी कुछ है, ये विधि है, निषेध भी कुछ है। तुलसी तज कुसमाज, कुसमाज कुसंगति, कुसंगति का त्याग करके राम जी का होकर राम का नाम लो, अभी आज ही तुम्हारी सारी बिगड़ी बन जाएगी। और आजकल जमानत लेते हैं ना, तुलसीदास जी ने भी जमानत ली है क्या? देखिए यम नियम की महिमा, तुलसीदास जी ने क्या कहा, तुलसीदास जी ने कहा परतीय मातु समान, इतने पर सत्य वचन अधीनता परतीय मातु समान, इतने पर हरि ना मिले तुलसीदास जमान, जमानत लेता है तुलसीदास। ये क्या है, शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, पांच नियम है ना, तो सत्य वचन सत्य, अहिंसा सत्य, यम में अहिंसा सत्य, तो सत्य वचन और अधीनता ईश्वर प्रणिधान, हरि गुरु के अधीन रहो, अधीन रहो। सत्य वचन ले लिया यम सत्य, और ईश्वर प्रणिधान को कहा अधीनता, और ब्रह्मचर्य के स्थान पर क्या कहा, परतीय मातु समान, दो ले लिया नियम, एक लिया यम, दस की बात तो छोड़ दीजिए, पांच यम पांच नियम में अगर तीन को ही अपना लिया, सत्य वचन अधीनता परतीय मातु समान, इतने पर हरि ना मिले तुलसीदास जमान, जमानत लेता है, कसम खाता है तुलसीदास, अवश्य ही भगवान मिले बिना नहीं रहेंगे, मिलेंगे। तो सज्जनों यह जो मन है तब तक साथ देता रहेगा जब तक अपवर्ग मोक्षम को नहीं प्राप्त करा देगा। ठीक है मन, क्योंकि श्रवण कैसे करेंगे, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य द्रष्टव्य आत्मा वा अरे श्रोतव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य आत्मा वरे वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। बिना मन के श्रवण नहीं होगा, बिना मन के मनन नहीं होगा, बिना मन के निधिध्यासन नहीं होगा, और बिना मन के चरम वृत्ति, अखंडाकाराकारी चरम वृत्ति जो अज्ञान जन्य आवरण को विध्वंस कर देती है। कहाँ लिखा है, अध्यात्म रामायण, अनुवाद किसने किया, तुलसीदास जी ने, कौन सा, सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुख प्रकाशा तब वह मूल भेद ब्रह्म नाशा। चरम वृत्ति, चरम वृत्ति माने मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं, मैं नहीं जानता, न साइकिल चलाना न कुछ, साइकिल पकड़ा देंगे तो साइकिल सहित गिरूंगा, तो बाबा ही होना है, हमने सोचा था बचपन से मालूम था बाबा होना है, तो मोटरसाइकिल क्या सीखूं और साइकिल क्या सीखूं, न साइकिल थी न मोटरसाइकिल, ना ये सब कुछ नहीं जानता मैं। लेकिन सर्दी के दिनों में डीजल हो या पेट्रोल भी हो, लेकिन जम जाए, कितने पैडल लगाने पर स्टार्ट होगी मोटरसाइकिल, जो अंतिम पैडल उसी का नाम हो जाएगा चरम पैडल। अगर एक ही पैडल में स्टार्ट कर दिया आपने तो वही चरम पैडल, तीसरे पैडल में स्टार्ट कर पाए तो वो चरम पैडल पैडल। इसी प्रकार जो चरम वृत्ति होती है, मनोवृत्ति, वो इतनी ऊर्जा संपन्न होती है कि अज्ञान और अज्ञानजन्य आवरण को विध्वंस कर देती है। तो वो चरम वृत्ति कौन बनेगा, मन ही बनेगा ना, वो चरम वृत्ति स्व पर विरोधिनी होती है। श्री रामानुजाचार्य महाभाग इत्यादि विद्वानों ने कहा आपकी अखंडाकाराकारित चरम वृत्ति, अखंडाकारित या अखंडाकाराकारित पुनरुक्ति जैसे है, अखंडाकाराकारित चरम वृत्ति जो है वो बनी रह जाएगी, तो एक ही उल्लू पर्याप्त है क्या, बाघ को गुलजार करने वाले, नष्ट करने के लिए, यहाँ तो हर साग पर उल्लू बैठे हैं,
दिल्ली में था तो मैं उर्दू बहुत बोलता था बाबा होने के पहले, क्योंकि मेरी हिंदी समझ नहीं पाते थे लोग, क्लिष्ट बोलता था, तो उर्दू और अंग्रेजी मिली हुई हिंदी बोलता था। बाबा हो गया तो उर्दू और अंग्रेजी के टोन में बोलना मैंने छोड़ दिया, और मैं यही कहता हूँ कि मान के चलो कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता, मान के चलो कि मैं उर्दू नहीं जानता। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हो गई बेकरार आने को है, स्वामी रामकृष्ण। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हो गई बेकरार आने को है, मुल्लाओं के बीच में गाओ। रामकृष्ण, स्वामी रामकृष्ण का वचन है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि वो चरम वृत्ति कौन बनेगा, मन ही ना, तो मन का क्या होगा। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने कहा वो चरम वृत्ति भी जीवित रहेगी तो एक ही वृत्ति आत्मा को सद्बुद्धि कर देगी। बड़ी विचित्र बात, क्या एक ही वृत्ति आत्मा को सद्बुद्धि कर देगी। तो फिर वेदांतियों ने कहा स्वपर विरोधनी, श्रीमद् भागवत ने तृतीय स्कंध में एकादश स्कंध में उदाहरण दिया है, दाह्य दारू को, काष्ठ को, ईंधन को, दाह्य दारू को जलाने के बाद आग स्वयं भी शांत हो जाती है या नहीं, अग्नि स्वपर विरोधनी है या नहीं। तुलसीदास जी ने कहा उपल, ओले, कृषि को, खेती को नष्ट करके, खेत को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं या नहीं। ऐसे वो जो चरम वृत्ति है वो स्वपर विरोधनी है, स्वपर विरोधनी है, दूसरे को खाकर स्वयं भी शांत हो जाती है, तब अद्वैत की स्थिति बन जाती है, द्वैत की स्थिति नहीं रहती। लेकिन ठीक है, हम तो मुक्त हो जाएंगे मन के योग से, मनोयोग से, हमारे मन का क्या होगा, जो आपका होगा वही आपके मन का भी हो जाएगा। क्या होगा मन का, भगवान शंकराचार्य से पूछिए, आत्मानुशीलन नामक ग्रंथ, क्या आत्मानुसंधान, आत्मानुसंधान नामक ग्रंथ, आत्मानुशीलन नामक ग्रंथ पढ़िए, चित्तम चिरिति जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणौ। पहले पढ़ाते थे अध्यापक लोग, अब उस ढंग से नहीं पढ़ाते, च इकार ची त संयुक्त चित्त, धीरे से बोलते थे, चौकारी ऐसा नहीं, चौकार रस, चौकार ची त संयुक्त चित्त, ऐसा हम लोगों को पढ़ाते थे। अब तो वो पढ़ाने की प्रक्रिया, मतलब तीसरी कक्षा तक ही वो इस ढंग से पढ़ा देते थे, सामान्य ढंग से व्याकरण का बोध बिना व्याकरण पढ़े भी हो जाता था। चित्त में जो तो संयुक्त है उसमें से तकार को हटा देंगे तो चित्त चार खाने चित्त होकर चित्त रह जाएगा या नहीं। चित्त धन तकार बराबर चित्त, चित्तम चिजित जानी यार, या जो चित्त है वो चित्त होकर शेष रहता है, चिन्ह मात्र होकर शेष, कदा चित्तम चिदित जानी या तकार रहितम यदा, तकार है क्या, विषयाध्यास, विषयाध्यास विषय की दासता कटते ही ये जो चित्त है ये चिन्ह मात्र होकर शेष रहता है। इसका मतलब हम जो ब्रह्म मात्र होकर शेष रहेंगे, और जिस चित्त ने हमको केवल मोक्ष तक पहुंचाया वो चित्त भी फिर हमारा ही स्वरूप हो जाएगा, वो भी चिन्ह मात्र होकर ही शेष रहेगा। तो आज कहा गया माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम, सुहृद हूँ, प्रिय हूँ, सबका आत्मा स्वरूप ही हूँ, साम्या संगादयो गुणा, मुझमें जो समता संगता इत्यादि दिव्यात दिव्य अचिंत्य गुणगण परिलक्षित होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, गुण के रूप में निरीक्षण परीक्षण करने पर होते हैं स्वरूप, साम्या संगादया अगुणा, भगवान सम है और साम्य गुण है, समोहम सर्वभूतेषु कहा या नहीं, भगवान सम है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, असंगो नहीं सज्जते। तो स्वरूप की विद्या वृत्ति से अभिव्यक्ति का नाम ही गुण है। गीता
इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम सुख रूप भागवत सुखमस्य आत्मनो रूपम सातवां स्कंध। सुख रूप आत्मा की मनोवृत्ति के योग से अभिव्यक्ति हो गई तब जो सुख हुआ उसका नाम क्षेत्र हो गया। है वो क्या? अरे दर्पण के योग से अपना मुख दृश्य बन गया या नहीं? दर्पण को औंध दें तो मुख कहाँ गया वो प्रतिबिंब? ऐसे ही भगवान ने कहा उस समस्त स्वरूप में हूँ, मुझ में जो साम्य नामक गुण है वो प्रातितिक रीति से गुण प्रतीत होने पर भी वास्तव में स्वरूप ही है। तो भगवान के गुणगण भी भगवत रूप ही होते हैं, प्रतीति के दृष्टि से गुण और प्राप्ति के दृष्टि से निर्गुण। श्री राम जय जय राम। हर हर महादेव।